केवल गाने बजाने का ही स्वाद आवे, भगवत रस ना आवे,
वो भक्ति में छिद्र हो गया, उसका रस बह गया। और बोले जब देखो जब दुनिया का रोना, अरे भगवान की याद करो और निर्मल प्रसन्न हो जाओ, तेरे पर आनंद आ जाए। भक्ति वक्त में रसास्वादन होना चाहिए, आनंद आना चाहिए। ये कोई दुखी होने की प्रक्रिया नहीं है, आनंदित होने की प्रक्रिया है। और तीसरे भक्ति हृदय की वस्तु है, ये कुछ दिखावा तो नहीं है। दिखाने से भक्ति हल्की पड़ जाती है। साधु पृष्ठम महाभागो भागवतोत्तम, सुखदेव जी ने कहा हे भागवतोत्तम, हे महाभाग, तुमने बड़ा बढ़िया प्रश्न, क्योंकि यद्यपि तुम बारंबार भगवत कथा का श्रवण करते हो, तथापि अपनी रुचि से उसको नवीन नवीन बना देते हो। जैसे कान का पेट तो कभी भरता नहीं और मन का पेट कभी भरता नहीं और कथा का आजीर्ण होता नहीं, अपच तो होता नहीं, फिर ऐसी बढ़िया चीज सुन करके चीज ज्यादा खाओगे तो पेट में अजीर्ण हो जाएगा ना, तो कथा सुन के अजीर्ण थोड़े होगा, कान थोड़ी भरेगा, मन में अरुचि थोड़ी होगी। अरे भाई ये कई चीज खाते काफी अब स्वाद नहीं आता, थोड़ा चटनी अचार खाओ, बहुत बढ़िया। कथा को नूतन बनाना, कथामयम सारव्रताम निसर्गो यदर्थवाणी श्रुति चेतसामपि प्रतिक्षणम नव्यवदच्य तस्य जन क्रिया विदानामिव साधु वार्ता। संत का संत तो जो सारक ग्राही है, सारकृत माने कर्म का विस्तार न करे, भोग का विस्तार न करे, थोड़े में खा ले, थोड़े में काम कर ले, अपनी बात थोड़े में कह ले, विस्तार न करे, थोड़े में समझ ले, क्योंकि उसको फुर्सत कहाँ है, अवकाश कहाँ है, वो तो व्यस्त है ना, बिजी है, व्यस्त है, व्यस्त अपने काम में, तो भगवान के साथ लगा हुआ है। उसका स्वभाव क्या है कि उसका धन भगवान के लिए, उसकी वाणी भगवान के लिए, उसका चित्त भगवान के लिए, वो अपने चित्त में किसी दूसरे को बैठाता है, अपने काम से दूसरे का चरित्र सुनता है, अपनी वाणी से दूसरे का वर्णन करता है। ये भक्त का, ये संत का स्वभाव है। भगवान के सिवाय और कुछ है नहीं, जो दिखता है निस्तार है, वो बिल्कुल दिखता है। ये संसार में जो चमक दिखती है ना, चांद की चमक, ये चार दिन की चांदनी है। और ये जो मन में रुचि होती है कि ये चीज बहुत बढ़िया है, ये रुचि ज्यादा दिन तक नहीं टिकती, थोड़ा दिन रहती है फिर बदल जाती है। भगवान में अपना धन लगाओ, भगवान में अपना वचन लगाओ, भगवान में अपना चित्त लगाओ। बोले भाई भगवान की कथा कैसे सुने, प्रतिक्षण नवीन सुनी हुई कथा को हमारे साई ने अपने सत्संगियों को उपदेश दिया था। कथा सुनने के दस नियम हमें बनाए, भगवान की कथा सुनने का दस नियम, अब उनमें एक सुना था, हमको याद तो सब है लेकिन हम सुना नहीं। उसमें एक ये था
कि यदि तुमको कोई सुनी हुई बात कथा में फिर से सुनने को मिले तो ये जाहिर मत होने दो कि ये बात हमने पहले ही सुनी है, उसको सुनने के लिए काम आगे कर दो और आश्चर्य के साथ ग्रहण करो, उसमें मजा लो। ये मत कहो कि वो वही कथा है, राम चरित जी सुनत अगाही रस विशेष जाना दिन नाही, नूतन नूतन पदे पदे तुम तो भाव बनाओगे ना, हा रसगुल्ला, ये भगवान की कथा क्या है रसगुल्ला, तुम लोगों को पानी आ जाएगा ना, तुम्हारा चेहरा खिल जाएगा और तुम कहोगे कि अरे ये तो वही है, तो तुम मुरझा जाओगे खुद ही, तुमने अपना नुकसान कर दिया। उसको प्रेम से सुनो, भगवान का जैसे नाम बारंबार लिया जाता है, जैसे रूप का ध्यान बारंबार किया जाता है, वैसे भगवान की कथा बार बार सुनी जाती है और उसमें आनंद आता है। पर दृष्टांत बहुत बढ़िया दिया, यत स्त्रिया विदाना विवता विवार्ता, जैसे लंपट पुरुष इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में स्त्रियों का वर्णन करते हैं, अमुक बेटी कैसी अमुक बहु कैसी, स्त्रियों की चर्चा करते हैं और घंटों की नींद नहीं आती उनको, आधी रात तक चर्चा करते रहते हैं, उनको उसमें रस है। ऐसे ही अपने को भगवत रस लंपट बनाया है और ये जो छैल की कनिया, ये नंद का छोरा छैल छबीला है ना, ब्रज का हो सांगरा सलोना, सलोना माने आप समझते होंगे, सलोना माने नमकीन है ना, नमका ही बड़ा सलोना, लोन माने नमक, सलोना माने नमकीन है ना, लावण्य युक्त बना, लावण्य युक्त, और माधुर्य माने सलोना चटपटा मसालेदार, देखते 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 आँख से और पानी आता है जीभ पर, वैसे सुनते हैं कान से और दिल दिल में तरंग उठती है। तो बोले ऐसी उपमा क्यों दी, ऐसी उपमा इसलिए दी कि ये प्रकृति पुरुष का जो संसर्ग है ना योग में, प्रकृति पुरुष का संसर्ग, इसमें पुरुष का जो चिंतन होता है वो प्रकृति से मुक्त कराने वाला होता है, ऐसी भगवान की कथा सुनने के। अच्छा आपको एक वो श्लोक याद है, आपने बहुत सुना होगा, गंगा तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रोदार कथा प्रसंग, यत्र उदार कथा प्रसंग, ऐसा अर्थ है ना उसका, जहाँ भगवान का उदार कथा प्रसंग होता है, तत्रैव गंगा यमुना च वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती, वही गंगा है वही यमुना है वही त्रिवेणी है वही सरस्वती है, सारे तीर्थ वही है, कहा यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, जहाँ अच्युत के उदार कथा का प्रसंग है। महाराज एक पंडित जी मिले, वो बोले कि स्वामी जी आपको बिल्कुल नया अर्थ होता है, बताओ पंडित जी, तो बोले यत्राच्युतोदार कथा प्रसंग, उदार कथा प्रसंग है दार कथा प्रसंग, आप जानते हैं राजन, सावधान होकर सुनो, बात कुछ गोपनीय है लेकिन मैं तुम्हें सुना रहा हूँ।
क्योंकि यदि शिष्य स्नेहित हो स्नेही हो। देखो शिष्य कौन होता है, जो अनुशासन माने, जो अनुशासन नहीं माने वो शिष्य कहेगा। तो शिष्य से जो अनुशासन मानने वाला है और स्नेही है उसको गुरुजन गुप्त से गुप्त बात भी बता देते हैं। अब सुनो आगे की कथा। भगवान ने ग्वाल बालों और बछड़ों को अघ बदन रूप को मृत्यु से बचाया, माने पाप का जो मुंह है, अघासुर के मुख में जो प्रवेश है यही मृत्यु है। नारायण, मृत्यु का नाम मृत्यु नहीं है। हमने मृत्यु की बहुत खोज की थी। अरे बाबा, रोज लोग मरते रहते हैं और आप खोज करने गए थे? कहाँ खोज करने गए? हमको वैज्ञानिकों ने बताया कि जो वस्तु है उसकी मृत्यु नहीं होती। ये शरीर जब जलाते हैं तो मिट्टी जितनी शरीर में है उसका वजन घटता नहीं, पानी पानी में, मिट्टी मिट्टी में, गर्मी गर्मी में, हवा हवा में, आकाश आकाश में, पंचभूत की मृत्यु नहीं होती। वासनावान ज्ञानक ग्रंथि अंतकरण की मृत्यु नहीं होती, साक्षी आत्मा की मृत्यु नहीं होती, परब्रह्म परमात्मा की मृत्यु नहीं होती। मृत्यु नाम की चीज सृष्टि में कहीं है ही नहीं। घड़े की शकल फूट गई तो घड़े की मृत्यु हो गई? अरे मिट्टी पानी तो जो कहते हो है, शकल बदलने का नाम मृत्यु नहीं। नारायण, तो मृत्यु क्या है? प्रमाद अम्बई मृत्यु महम ब्रवीमी। ये जो अपने जीवन में प्रमाद है ना, यही मृत्यु है। नवई मृत्यु व्याघ्रही आपकी जंतून, मृत्यु बाप की तरह किसी को नहीं खाती है। ये जो हम ईश्वर को भूलते हैं, अपने स्वरूप को भूलते हैं, इसी का नाम मृत्यु है। मैंने रविंद्रनाथ ठाकुर का एक गीत पढ़ा था, पहला बोले मृत्यु क्या है, एक मीठी निद्रा है, मधुर निद्रा, मधुर निद्रा। ये डरने की वस्तु नहीं है। तो एक महात्मा ने बताया, डरता कौन है? जो देहात्म बुद्धि का पक्का दास है, जो केवल इसी देह के रूप में रहना चाहता है वही डरता है। अरे देह कोई भी रहे भाई, चाहे ना रहे, हमेशा के लिए छूट जाए। ये तो पोशाक है, जैसे बड़े आदमी के घर के लड़के दिन भर में तरह तरह की पोशाक बदलते हैं, वैसे हम ईश्वर के बालक, हम जी तरह तरह की पोशाक बदलते हैं। इसमें मृत्यु क्या है? ये कपड़े को गंदा करके रखना यही मृत्यु है। इस पर दाग न लगने पाए, मर गए। कौन मर गया? जिसने प्रमाद से अपने अंतकरण को गंदा कर दिया। अब तो भगवान ने कहा कि भाई चलो नदी के तट पर चले। सरित पुलिन मानीय भगवान एवं अब्रवीत। ग्वाल बालों को लेकर के भगवान यमुना जी के तट पर आए। आप जानते हैं पंच नदियां वेद में वर्णन है, नदी पांच है। उन पांचों पंजाब में जो बहती है ना, पंच नद्यः सरस्वतीम अभियन्ति सस्रोतसः सरस्वती तु पंचधा सो देते भवत्सरित। ये जो हम लोग संसार के विषयों को देखते हैं,
ये पांचों इंद्रियों के द्वारा इनके ज्ञान की वृत्ति हमारे अंतकरण में सरस्वती के पास सरस्वती में जाकर लगती है। तो हमारे पांचों इंद्रियों से कृष्ण का ग्रहण होता है। पांचों नदियों में क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण हमारे सरस्वती अंतकरण में जो वृत्ति की धारा है उसमें पहुंच जाए। संपूर्ण वृत्तियां जो है वो एक तान हो जाए, एक लक्ष्य हो जाए। आप जानते हैं धर्म में कर्म भी अलग अलग है, देवता भी अलग अलग, मंत्र भी अलग अलग, जजमान भी अलग अलग, पुरोहित भी अलग अलग और आहुति भी अलग अलग है। लेकिन उसका लक्ष्य क्या है कि स्वर्ग रूप फल। वो स्वर्ग भी समूहालंबन है, वहाँ अप्सरा है, नंदन वन है, देवता शरीर है, वहाँ फल में भी एकता नहीं है। ये क्यों देखा नहीं आपने? मंत्र अलग अलग, देवता अलग अलग, पुरोहित अलग अलग, यजमान अलग अलग है ना? तो इनका जो समूहीकृत स्वर्ग रूप फल है वो भी अलग अलग होता है। परंतु उपासना में वृत्ति अलग अलग और लक्ष्य एक, भगवान इष्टदेव। और ये तो इंद्रम वरुणम अग्निम अवामहे ऐसा नहीं है। अमुम यज अमुम यज, इसके लिए होम, इसके लिए होम, अलग अलग देवताओं के लिए नहीं है। ये आंख के लिए, ये कान के लिए, ये नाक के लिए, ये जीभ के लिए नहीं है। क्योंकि इष्ट देव हृदय का देवता है, इंद्रियों का देवता नहीं है। और स्वर्ग में रहने वाले जो देवता है वो इंद्रियों के देवता होने से अनेक है वो, है ना? और वैकुंठ में हृदय का देवता होने के कारण एक है। तो उपासना में लक्ष्य एक और वृत्ति अनेक। अब लो योग में लक्ष्य एक और वृत्ति एक, उसको समाधि बोलते हैं। स्वर्ग से वैकुंठ में क्या विलक्षण है और वैकुंठ से समाधि में क्या विलक्षण है, और तत्वज्ञान में है ना वृत्ति बाधित हो गई, केवल लक्ष्य ही रहेगा। समाधि से वृत्ति टूटती है, जागती है और सोती है, जागती है और सोती है। और तत्वज्ञान में वृत्ति चाहे जागे चाहे सो है, मिथ्या है। समाधि में वृत्ति सोती है, तत्वज्ञान में वृत्ति बाधित होती है, उपासना में वृत्ति इष्टाकार होती है, और धर्म के फल रूप वृत्ति कभी अप्सरा का सुख लेती है, कभी नंदनवन का, कभी देव शरीर का। तो आओ नदी के प्रवाह, चलो जमुना जी के तट पर। ओ सावरी सावरी जमुना जी, गलिंद नंदिनी, इसने तो कहा कि हम राधा रानी की बराबरी करेंगे, वो ऐसे चली थी। बोले वो भानु तनया है, वृष भानु तनया है, हम भानु तनया है, वो गोरी है, हम सावरी। बोले तो भगवान गोरी को ज्यादा पसंद करेंगे। बोले कि भगवान खुद ही सावरे हैं तो है ना, सावरी का तिरस्कार कैसे करेंगे है? ये तो ध्यान करते करते भगवत रूपा हो गई है। अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्या स्वकेलि संपन्न मृदुला बालकम बालुकम स्फुटत सरोगंधरिताली पत्रिक ध्वनि प्रतिद्वारलरद्रुमाकुलम्। अहो तिरम्यम पुलिनम वयस्या, मेरे प्यारे सखाओ,
क्या रमणीय पुलिन है, पुलिन को रमणीय बताना कलिंद नंदिनी को आदर देना है। आओ बाहर छोड़ो वृत्ति के तट पर, उपस्पय गिरीना संगमे च नदीना या विप्रो अजायत, आओ अंतर्मुख हो जाओ। यहाँ अपनी क्रीड़ा के लिए सारी संपत्ति है, कैसी मृदु स्वच्छ बालुका है, सरोवर जो है उनमें कमल खिले हुए हैं। तीन बात चाहिए हम क्रीड़ा के लिए, एक तो चाहिए सरिता माने वृत्ति का प्रवाह चाहिए भगवदोन्मुख, और एक चाहिए सरोवर सहर हृदय हृदय कमल निर्मल जिसमें भाव का कमल खिला हुआ हो उस पर भगवान खेलते हैं। हृदय हृदय है और उसमें भाव कमल है। और तीसरे से ये पर्वत चित्र चाहे कितनी भी तकलीफ आवे हटे नहीं अपने में से, सब संपत्तियां फौरे गुंजार कर रहे हैं। भ्रमर गुफा भी है और पक्षी जो है वो कलरव कर रहे हैं और विहंगम मार्ग भी है यहाँ बोला, और वृक्ष नदी पर्वत एक पर एक चढ़ते जाओ दाएं बाएं 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 करते अपने अंतर में ऊपर चढ़ते जाओ। भगवान ने कहा कि देखो जी हम लोगों को भूख लग गई है, आओ यही भोजन कराएं, योग में भोग होना चाहिए। बछड़े भी तृण चर करके जल पी करके तृण चराए, वालों ने कहा ठीक अनुशासन मानते हैं। अब ये हुआ कि छींके जो है अभी ये तो चरते ही आपके सामने नहीं थी मैंने कि घर से भोजन का छींका लेकर के सब ग्वाल वाल चले और अघासुर के मुंह में घुस गए और मर गए और फिर जिंदा हो गए, वो उनकी पूरी कटोरी क्या हुई, वो उनकी मठरी और मक्खन और मिश्री और रोटी है। तो वाले लोग रोटी भी ले जाते हैं बोला, कोई अब कोई पत्नी खाने वाले चौके में बैठ के खाने वाले कोई सरवरिया ब्राह्मण थोड़े थे। अब देखो कोई यहाँ बैठा होगा कान ने कुछ दुख जाएगा, कान ने कुछ क्यों नहीं कहा, गौड़ क्यों नहीं कहा, स्वरस क्यों नहीं कहा, सनाट क्यों नहीं कहा है। तो ये तीन कलौजिया तेरह चूल्हा जो है ये कलौजियों में ही ज्यादा होता है। तो वो तो मक्खन मिस्त्री हो प्रज भूमि मुद्वा शिक्षा निभुजु समम भगवता मुदा। छींकों का क्या हुआ, तो किसी ने कहा कि सब ग्वाल बाल जब वन में जाके क्रीड़ा करने लगे तो छींके अपने अपने उन्होंने पेड़ों पर टांग दिया, तो उनको ले करके वो अघासुर के मुख में ले गए। किसी ने कहा जो भगवान मुर्दे को जिंदा कर सकता है वो क्या विष को अमृत नहीं बना सकता, अरे छींके लेके अघासुर के मुंह में चले गए थे तो क्या हुआ, जब भगवान की दृष्टि पड़ गई तो सब अमृत हो गए। अब बोले भाई देखो भगवान के पास जो चीज होती है वो मुक्त होती है बद्ध नहीं होती, और ये हमारे छींके जो है वो बंधे हुए हैं, तो अब इनको भी मुक्त कर। ये भगवान के साथ जो वस्तु होती है ना वो जड़ नहीं होती कोई, बड़े बड़े महात्मा थे उन्होंने तपस्या किया, तो तपस्या काहे के लिए की कि हम ग्वाल बालों के हाथ में पड़ेंगे इसे हम उनके हाथ में आ जाएं। तो भगवान ने कहा जाओ तुम लोग छींका बन जाओ हमारे ग्वाल बाल तुमको हाथ में लेंगे। बोले महाराज कुछ सेवा भी मिले तो वो अपने छींकों में भर भर के जो भोजन की वस्तु लावेंगे तो हम खाएंगे,
भगवान की लीला में जड़ चेतन का भेद नहीं होता है, वहाँ चेतन भी जड़ होता है। समझो एक गोपी निकली भगवान से मिलने के लिए, बड़े प्रेम, आंख में आंसू, शरीर में रोमांच, कंठ गदगद, हृदय द्रवित, प्रेम से भरी भगवान के लिए निकली। इतने में पीछे से उसका पति जो है ना, वो लाठी लेके निकला कि कहाँ जा रहे। श्याम सुंदर की दृष्टि पड़ गई, लेके बांसुरी जो बजाई, सो पतिदेव तो वहीं जड़ हो गए और गोपी श्याम सुंदर के पास आ गए। एक कोई देवी थी, उसने तपस्या की कि हम श्याम सुंदर की लीला में प्रवेश करें। वो ब्रज में लता हो गई, चमेली की तरह खिलती थी। अपने प्यारे से मिलने के लिए लता भी होना पड़ता है, गुलाब भी होना पड़ता है। अगर तुम्हें जड़ होने से परहेज हो तो भगवान से प्रेम मत करना, है ना। अब वो बहुत दिनों से बिचारी लता बनी वहीं खड़ी थी, तो श्याम सुंदर ने उठाई बांसुरी और जो उसका नाम लेकर के पुकारा, वो लता नहीं थी, रता थी। बोला लता और रता का भेद तो आप समझते हैं ना, है? वो लता नहीं थी, रलय और अवेदा, वो लता नहीं थी, वो तो रता थी, रता। तुरंत उसमें से गोपी निकली और श्याम सुंदर के सामने आ गई। या जो जड़ का चेतन करी, जो चेतन का जड़ करी, जड़ करी चैतन्य। तो ये भगवान नारायण, अब तो ये छीकों का भाग्य जगा, उन्होंने अपने प्रेम से अपनी वस्तु को मीठी कर दिया, अमृतमय कर दिया। कृष्णस्य विश्व पुरुराजिमंडलैः अभ्याननाः कुलदृशो व्रजार्भकाः सहोपविष्टापि दिने विरेजुः छदा यथाम्भोरुहकर्णिकायाः। देखो ध्यान का वर्णन हुआ कि नहीं। बीच में बैठ के जैसे कमल हो, तो आप लोग कमल को तो खूब अच्छी तरह पहचानते होंगे, और उसमें जो जीरे होते हैं ना कमल में, उसको मंजरी बोलते हैं, और जो पीले पीले कण होते हैं उनको पराग बोलते हैं, जो उसमें रस होता है उसको मकरंद बोलते हैं, जो गद्दी होती है उसको कर्णिका बोलते हैं। आप कमल पर भगवान का ध्यान करेंगे तो सब बात समझ नहीं पड़ेगी ना। तो आपका हृदय कमल है, उस पे भगवान विराज है, तो बीचों बीच भगवान विराज है। तो ये जो आठ दल है, समझो तो आठ दल है, सहस्त्र दल है, उन सत दल है, उन पर गोपी दे दी, और जो मंजरी है ना जीरे, वो मंजरी सखी उस पे रहते हैं। लता होती है, अली होती है, मंजरी होती है, बोला नाम रखते हैं। जैसे आप किसी वैष्णव से मंत्र दीक्षा लें ना, तो कहेंगे हैं कि देखो अभी तुम्हारी उम्र 16 वर्ष की है और तुम्हारा गोरा रंग है, बोला, और भगवान की सेवा में तुम्हारा नाम स्नेह कला है ना, प्रेम लता है, सुख मंजरी है, नाम भी बदल देंगे हो, और उम्र तुम्हारी 16 बरस की, रंग गोरा, तो सेवा क्या है महाराज, तो चवर डालने की शोभा सेवा है तुम्हारी, पान खिलाने की सेवा है तुम्हारी, तुम अपने हृदय में भगवान का ध्यान करो और सेवा करो, ये सेवा होती है। तो ये तो सखाओं की लीला है ना, ये सखाओं की रास लीला है, जैसे गोपियों के साथ भगवान रास लीला करते हैं। वात्सल्य लीला में सर्वोत्तम लीला है उखल बंधन लीला, जहाँ भगवान अपनी माँ के हाथों बंध जाते हैं। लीला में भी तमस होता है, लीला में भी रजस होता है,
लीला में भी सत्व होता है, जैसे भगवान को सुख पहुँचे वैसा होता है। लीला जैसे पूरी होए मोह होता है लीला में, भागवत में तो यशोदा मैया के मोह का भी वर्णन है, अभिमान का भी वर्णन है, मोह का भी वर्णन है। वो तो जैसे भगवान की लीला पूरी हो, और ये सखाओं के साथ रास लीला है, बोला माँ के साथ रास लीला क्या है, उसके हाथों बंध जाना, और ग्वाल बालों के साथ रास लीला क्या है, तो उनके बीच में बैठ करके भोजन करना, और गोपियों के साथ रास लीला क्या है, तो उनके साथ नृत्य करना। तो अब तो कृष्ण के चारों ओर एक मंडल में बैठा, ऐसे बैठे कृष्ण की सबको मालूम पड़े कि मुंह हमारी ओर, प्रत्येक मंजरी यही समझे कि मुंह हमारी ओर, प्रत्येक दल यही समझे कि मुंह हमारी ओर। अभ्यानना, सबका मुख अभिमुख है, सबकी आंखें प्रेम से खिली हुई है। असल में ये आंखें जो है ना, ये सरोखा है, वो भीतर का प्रेम आंखों के रास्ते झांकता है। अब ऐसी उनकी शोभा हुई जैसे कमल कर्णिका के तनों पर ये सब के सब ग्वाल बाल बैठे हो। अब एक आश्चर्य और होता है, अद्भुत बता दो भाई, इतनी थाली कहाँ से मिली? तो प्रेम में भोजन करने के लिए थाली की जरूरत नहीं होती, अरे वो तो एक दूसरे के साथ छीन के खा लेते हैं, क्योंकि प्रेम में अपना पराया तो होता नहीं, और प्रेम जो है वो उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट का भी विवेक नहीं करता। उच्छिष्ट अनुच्छिष्ट का विवेक धर्म पर गिरते है, प्रेम में तो सब पवित्र होता है। अब ये प्रेम है ना, देखो थाली देखो, केचित पुष्पैर दलई, केचित पल्लवैरंकुरई फलई, शिगभिस्त्वद्भिर्दृशद्भिश्च बुभुजुः कृतभाजनाः। किसी ने फूल का टप्पल बनाया हो, किसी ने दल का, कमल के दल का बनाया, कोई पुरैन पाता ही ले आए पूरा, किसी ने पल्लव से बनाया, पलासा आदि के पल्लों से बनता है ना, जिन्होंने किन्हीं किन्हीं ने अंकुर से सजा दिया, किसी ने फल ऐसे जमा दिए कि उनके ऊपर रख के खा सको, कला है, इसका नाम कला है। कोई अपना छींका ही लेके बैठे किसी में खा ले, किसी किसी ने पेड़ की छाल फैला दी हो, जैसे केले की छाल ले लो मजे से खा लो, भोज पत्र की छाल ले लो मजे से खा लो, कोई कोई पत्थर पर ही खाने लगे। एक बार हम लोग बद्रीनाथ जा रहे, कर्णप्रयाग में एक पेड़ के नीचे बैठे थे, इतने में 25-30 मद्रासी लोग इकट्ठे आए, और उन्होंने भोजन निकाला अपना, और वो पत्थर थे ना, पत्थर के टुकड़े वहां पड़े, बस उन पर अपनी रोटी है, वही समझो डोसा इडली है ना, हाँ डोसा इडली संभार, और उन्होंने अपना रसम रखा, उपमा रखी, पत्थर पर रख के खाना शुरू कर दिया। हमने कहा देखो हम लोग होते तो बर्तन ढूंढते है ना, इनका काम और फिर खा के और जाके गंगा जी ने अपना हाथ मुंह धो दिया, न गिलास की जरूरत, न लोटे की जरूरत, न थाली की जरूरत। अब अपनी अपनी रुचि सब अलग बता रहे, तो भाई आज तो हमको बड़ा बहुत अच्छा लगता है, अरे आज हमको कढ़ी बहुत अच्छी लगी, तो हमारी खीर बहुत अच्छी लगी। जब तक एक खाने लगते हैं तब तक एक के पत्तल पर से उठा के दूसरा खा जाता है। हसंतो हाथ यंतश्चो, पहले खान पान में भी हंसी मजाक करने की बड़ी रिवाज थी, हो अब तो लोग जल्दी नाराज हो जाते हैं, पहले इतनी जल्दी लोगों की इंसल्ट नहीं हुआ करते थे, आजकल जरा जल्दी हो जाती है,
बहुत जल्दी, क्योंकि सहिष्णुता नहीं है चित्त में। चित्त में सहिष्णुता कम हो गई। हम अपने एक मित्र के घर गए थे बलिया में खाने को, स्वाभाविक ही समझो जैसे भाभी देवर ऐसे मानते हैं ना, भाई भाई, न कोई रिश्ता न कोई नाता, मैत्री थी कॉलेज थी। तो हमारे सामने पहले थाली आई और हमारे मित्र के सामने बाद में आई। तो मैंने कहा नहीं नहीं, पहले इनके लिए चाहिए बाद में हमारे लिए। हमने अपनी थाली उनके सामने रख दी और उनके लिए जो आई सो मैंने दे दी। अब जब खाने लगे तो बड़े में से क्या क्या निकले मारा है ना। विनोद की एक पद्धति है, हसंतो हासे हंसते। श्री कृष्ण के सामने मधुमंगल पंडित बैठे थे, तो पहले तो उन्होंने कहा कि भाई खीर कैसे थी। उस श्याम सुंदर ने कहा कि अच्छा तू बैठ जा, हम पिला देते हैं। तो हाथ लगा के मुंह में मंगल पंडित खीर पीने बैठ गए। खीर ठंडी खानी चाहिए, गर्मा गर्म नहीं खानी चाहिए। जिन लोगों को गर्मा गर्म खाने की आदत है ना, उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि खीर ठंडी खाने में मजेदार। भोजन में चार वस्तु का होना आवश्यक है। एक तो स्वरूप ये चाहिए, देखने में अच्छा लगे। बैगन का साग बनाया लोहे की कढ़ाई में तो मालूम पड़े गंदी नाली है, बोला गंदी नाली का वो कूड़ा है। लोहे की कढ़ाई में बैगन का साग कभी मत बनाना। अच्छा देखो, रसोई की बात एक में बताता हूँ। आपको काफी फल का साग बनाना हो तो थौक किस चीज की लगा रहे आप बता सकते हैं? और आजकल स्त्रियों को भी नहीं मालूम होगा, बोला और साग बनाना हो तो मेथी का थौक लगाना दे, दानेदारे मेथी होते हैं मेथी, और उसमें थोड़ा गुड़ जरूर डालना चाहिए। तो एक तो देखने भोजन सुंदर होगा, स्वरूप भी अपने नाक में जब उसकी गंध जाए तो जिसको अपच हुआ हो उसको भी भूख लग जाए, ऐसी सुगंध होनी चाहिए, सौरभ भी होना चाहिए भोजन में, और खाने में ऐसा स्वाद आना चाहिए हो। लेकिन होटल भोजी लोग क्या पता कि भोजन कैसा बन रहा है, आपके भोजन में जो स्वाद आता है वो किसी किसी को मालूम होता है। तो इससे ही अभिमान होता है कि हम बहुत बढ़िया बनाते हैं। अपने हाथ से बनाए हुए भोजन में जो स्वाद होता है वो दूसरे के हाथ के बने भोजन में नहीं होता है। तो ये स्वाद और बना देते हैं। स्वास्थ्य के लिए हितकारी होना जरूरी है, दिखने में सुंदर हो है ना, सुधा को जगाए, खाने में स्वाद दे और शरीर के लिए हितकारी हो। हमारा तो ईश्वर कृपा से काशी और मथुरा दोनों से संबंध है। सबसे बड़ी बात भोजन में क्या है, वस्तु पवित्र हो, स्थान पवित्र हो, बर्तन पवित्र हो, बनाने वाला पवित्र और प्रसन्न हो, और अपने हक का भोजन हो। देखो भगवान से विमुख करने वाली वस्तु क्या है, संसार के भोग का लोभ जो है ना, यही ईश्वर से विमुख करता है। लोभ ही हम ईश्वर से विमुख क्यों है, ईश्वर से दूर क्यों हो रहे हैं, ईश्वर की ओर हमारी पीठ क्यों हो गई है? इसलिए कि संसार के विषयों का लोभ हमारे जीवन में आ गया है। पहले एक सज्जन पूछ गए सुबह, वो पूछ
है कि माया और अज्ञान में क्या फर्क है। ऐसा समझो कि अज्ञान जिसमें रहता है उसको मोहित करता है, जिसके बारे में होता है उसको मोहित नहीं करता, और माया जिसमें होती है उसको मोहित नहीं करती है, उसको जो देखता है उसको मोहित होता है। अविद्या स्वाश्रय व्यामोहिका, अविद्या उसको कहते हैं कि जिसमें रहे उसी को व्यामुग्ध बना दे। जैसे हम किसी चीज को नहीं जानते हैं तो हम मूर्खता में फंसे हुए हैं, वो हमें फंसे हुए हैं, और यदि हम माया फैलाते हैं तो हम अपनी माया के वश में नहीं होंगे, दूसरे लोग जो उस माया को देखेंगे वो फंसेंगे। तो समझो कि ईश्वर ने जो माया फैला रखी है तो अपनी माया से ईश्वर मोहित नहीं होता, वो तो जादूगर है, खुदई माया फैलाने वाला है। लेकिन जो अज्ञानी जीव है वो उस न माया को पहचाने, न मायापति को पहचाने, और न अपने आप को पहचाने। तो ये न पहचानना अज्ञान है। जो नहीं पहचानता है वो फंसता है। अज्ञान जिसमें होता है उसको मोहित करता है और दूसरे को नहीं, और माया जिसमें होती है उसको मोहित नहीं करते। तो ये अनंत ब्रह्म जो है ना, अनंत ब्रह्म, उसमें ये माया से सृष्टि दिख रही है। तो समझो ब्रह्म में माया है, तो ब्रह्म माया से मोहित नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म में तो माया है ही है, एक कल्पना कर लो। लेकिन इस माया को, ब्रह्म को और अपने आप को जो नहीं जानता है उसमें अज्ञान है, वो हुआ अज्ञानी। और वो अज्ञानी जो है वो दुख पाता है, वो मुक्त हो जाता है। तो जीव अज्ञानी होता है, ईश्वर अज्ञानी कभी नहीं होता। ईश्वर मायापति होता है, ईश्वर मायावी होता है। तो उसमें से आप एक जगह ऐसी बना लो जहाँ दुख नहीं रहता, सुख ही सुख रहता है, उसका नाम वृंदावन है। और तीन काल में, भूत भविष्य वर्तमान में, एक समय ऐसा चुन लो जिसमें दुख नहीं रहता है, वही भगवान का ध्यान काल है। हो भगवान का स्मरण भजन जिस समय करोगे उस समय दुख नहीं रहेगा। अच्छा, एक आदमी ऐसा चुन लो सृष्टि में जिसमें कोई दोष न हो, है? और नहीं मिला तो क्या किया जाए? कम से कम सारी दुनिया में एक आदमी तो ऐसा बना लो जिसमें कोई दोष न दिखे, उसी का नाम गुरु होता है। बोला जब तक मानव दृष्टि हो ना, मनुष्य दृष्टि हो, तब तक गुरु नहीं बना। और जब तक दुख मिले तब तक धाम दृष्टि नहीं हुई। धाम में दुख नहीं होता, वहां सब भगवान की लीला होती है। और जितने काल तक भगवान का स्मरण होता है, ये दुख भी एक स्मरण है। आप देख लेना, ध्यान करके देखना, ये जो हमारे हृदय में दुख होता है वो एक स्मरण है। दुखाकार वृत्ति है। और
अच्छा दुखाकार वृत्ति जो वर्तमान में है वो होती जाती है और मरती जाती है। तुम जो 6 महीने पहले कोई मर गया है उसकी याद करके आज रोते हो, 6 महीना पहले कोई चला गया है उसको याद करके आज रोते हो, पैसा खो गया है उसको याद करके आज रोते हो, तो ये दुख क्या है? कि दुख तो स्मरण है ना, तो तुम भगवान का स्मरण करो तो एक ही हृदय में एक ही समय एक साथ दुख और भगवत स्मरण कैसे रहेगा? बोले ये भी देख रहे हैं कि भगवान दास लीला कर रहे हैं और ये भी दुख हो रहा है कि हमारे पैसे एक खो गए, तो पैसे खो गए ये भी स्मरण हो गए और भगवान दास लीला कर रहे हैं ये भी स्मरण हो गए, ये दोनों कैसे होगा? दुख कर्म नहीं देता, दुख देवता नहीं देता, बिल्कुल दुख ईश्वर नहीं देता। ईश्वर के हाथ इतने आनंदमय हैं कि वो जिस चीज को छू देता है वो आनंद हो जाता है। ईश्वर के हाथ से दुख कैसे होगा? समझो कि अपना प्यारा की गोटी काटे तो दुख होगा कि सुख होगा? अच्छा अपना प्यारा जरा दो बात कड़ी कह दे तो ऐसा ख्याल होगा कि कितना अपना समझते हैं, सब ऐसा बोलते हैं, उसमें अपनापन दिखेगा। हो प्यार की मिठास कड़वी बात में आ जाएगी, प्यार की मिठास मार में आ जाएगी, तो ईश्वर के हाथ से तो किसी को दुख मिलता नहीं है। और दुख जब आएगा जीवन में तो दिल में होके तो आएगा ना, वृत्ति में होके तो आएगा, वृत्ति दुखाकार होगी तब आएगा। ये देखो, और मैं दुखी हूं ये भ्रम होगा तब आएगा, मैं दुखी हूं ये भ्रम है। अगर तुम दुखी होते तो अपने आप से नफरत करते, तुम तो अपने आप से प्यार करते हो तो तुम दुखी कैसे हो? तो मैं दुखी हूं ये भ्रम है, और वृत्ति का जो दुखाकार होना है ये भीतर है, अंतरंग में है, बाहर नहीं है। तो आप देखो दुख से बचने की बात बिल्कुल सीधे साधे समझ लो, अगर चोर को पहचान लें और वो कहां से घात लगाता है ये बात पहचान लें तो चोरी के उपद्रव से बच जाएंगे ना। दुनिया में जो चीज आती जाती है उसको बहने दो, गंगा जी को बांधने की जरूरत नहीं है। जो चीज जो आदमी और अपने शरीर में काले बाल रहते हैं तो रहने दो और सफेद हो जाते हैं तो हो जाने दो, काले बालों को रोकने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे रोके रुकेंगे भी नहीं। तो जैसे शरीर में बाल सफेद हो जाते हैं ऐसे शरीर में कोई रोग भी हो जाता है। तो बाहर की चीज आने जाने से और बाहर के व्यक्ति के आने जाने से और शरीर में परिवर्तन होने से आप अपनी वृत्ति को दुखाकार मत होने दो। तो वृत्ति दुखाकार न होवे इसका उपाय क्या है? या तो वृत्ति को शांत हो जाने दो, निराकार निर्विकार, और या तो उसमें एक ऐसा आकार भर लो कि दुख को घुसने की जगह न मिले। हरी सराय रहीम लखी,
पथिक फिर जाए, हरी सराय रहीम लखी आप पथिक फिर जाए। अब अपने प्रभु को हृदय में बसा दो और बाहर से कोई चीज घुसना चाहे तो देखे कि इसके दिल में तो भगवान पहले से बैठे हैं, वो बाहर से लौट जाए तो तुमको दुख नहीं होगा। बिना बाहर की चीज दिल में घुसेड़े किसी को दुख नहीं होता, चाहे मुर्दा को घुसेड़ो और चाहे जिंदा को घुसेड़ो। दिल के भीतर अगर बाहर की चीज को नहीं जमाओगे तो दुख नहीं होगा, तो उसको भर लो या तो खाली कर दो। भरना है तो भगवान से भर लो और खाली करना है तो निसंकल्प कर लो। एक तीसरी बात ये है कि मैं दुखी हूँ, इस ब्रह्म की स्थापना हृदय में मत करो। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वही अपने को दुखी जानता है। अच्छा, तुम अगर दुखी हो तो सोते समय तुम्हारा दुख कहाँ चला जाता है, कभी सोचा है? कितना भी दुख हो गए, हमने देखा है मुर्दा पड़ा है और आदमी खूब छाती पीट पीट के भी रो रहा था और रोते रोते थक के सो गया हो, तो जब सो गया तो उसको दुख रहा कि नहीं रहा? जब नहीं रहा, कहाँ गया वो दुख? इसका मतलब हुआ कि दुख मन में है, तुम में नहीं है, तुम तो सो जाने पर भी रह गए। तो इसलिए दुख से बचने की युक्ति यही है कि वृत्ति को दुखाकार मत होने दो और दुखी पने का अभिमान मत करो। ये बात कैसे होगी? तो पहले रोज घंटे भर बोला, जैसे कथा वार्ता में बैठते हैं ना, तो जो कुछ दिन भर में कमाया है, जो कुछ खोया है, उसके साथ रिश्ता काट दो और जो तुम्हारे रिश्तेदार नातेदार हैं उनसे घंटे भर के लिए अलग हो जाओ। तुम ये सोचो कि हम अकेले हैं और अपने भगवान के साथ हैं। आपको सुन के बुरा न लगे, शास्त्र की भाषा में दुखी, बेवकूफ और मुर्दा, ये तीनों शब्द पर्यायवाची हैं, क्योंकि आनंद के विपरीत दुखी हुआ, चित्त के विपरीत बेवकूफ हुआ और सत के विपरीत मुर्दा हुआ। तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप के विपरीत जब तुम अपने को दुखी मानते हो तो बेवकूफ और मुर्दे होते हो। इसी बेवकूफी को और इसी मुर्देपन को मिटाने के लिए सत्संग की जरूरत होती है। तो आप घंटे भर के लिए दुनिया के साथ अपने रिश्ते को काट दो। ये बात हम आपको नारायण जरा जोर देके बताते हैं कि आपकी पूजा काम नहीं देगी, आपका मंत्र काम नहीं देगा, आपका देवता काम नहीं देगा, यदि आप सत्संग के साथ संबंध नहीं रखते। देवता जगेगा तब जब सत्संग होगा, मंत्र काम करेगा तब जब सत्संग होगा, देवता हंसेगा खेलेगा बोलेगा तब जब सत्संग होगा, और नहीं तो मुर्दे जो है चुड़ैले भूत भूत तुम्हारे साथ लगे लगे फिरे। भगवान के साथ रहना हो तो दूसरी बात है और भूत के साथ रहना हो तो दूसरी बात है। अगर सत्संग छूट गया
तो ईश्वर के साथ अपना जो दिल का संबंध है वो छूट गया। सत्संग ही ईश्वर के साथ जो संबंध है, हृदय का संबंध, उसको जोड़ता है। तो अब एक बार दुनियादारी का संबंध काट के अपने को ऐसे स्थान पर ले चलो जहाँ केवल भगवान की लीला है। भक्ति पूरित अंतकरण जो है ना, वो ईश्वर के आनंद को बढ़ाता है। ईश्वर से जितने प्रेम करो ईश्वरानंद की वृद्धि होती है। सब जगह संसार लेके नहीं जाना चाहिए। कभी कभी वही भजन करने के सत्संग में आके संसार काट लो, वृंदावन में जाके संसार काट लो, वहां लेके मत जाओ। सबसे बड़ा दुख अपना बिगड़ा हुआ मन है। इस बिगड़े हुए मन के सिवाय दुनिया में और कोई दुख नहीं है। दुनिया में दुख कहाँ है? ये गृहस्थ लोग ज्यादा दुखी क्यों होते हैं? तो उन्हें अपना दिल संभालना है, अपने घर वाली का दिल संभालना है, अपनी बेटियों का दिल संभालना है, बेटों का दिल संभालना है, फिर रिश्तेदार नातेदार, फिर पड़ोसियों की भी फिक्र करते हो। आज में तो घंटे दो घंटे से बोला कम और सुना ज्यादा। तो शाम को तो मैं ये ख्याल करता था कि लोग किसी प्रयोजन से बात करें तो समझ में भी आवे कि इस बात का ये प्रयोजन है। जो मतलब अपनी जबान खराब करते हैं, दिमाग खराब करते हैं, दिल खराब करते हैं, और दूसरे के दिमाग में भरते हैं अपनी खराबी, अपने दिमाग की खराबी दूसरे के दिमाग में भरते हैं। तो असल में सत्संग उन लोगों को बहुत लाभकारी होता है जो अपने दिल को सुधारना चाहते हैं, और जो दूसरे को सुधारना चाहते हैं उनको तो कालवा देवी रोड पर खड़े होकर चिल्लाना चाहिए कि भाई वो अपना दिल सुधार लो। सत्संग अपना दिल सुधारने के लिए होता है, दूसरे का दिल सुधारने के लिए नहीं होता है। एक दिन एक माता आई और बोले कि स्वामी जी, हमारे पतिदेव हमारे ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं तो हमको भी गुस्सा आ जाता है, तो आप ऐसा मंत्र हमको बताओ कि उन्हें गुस्सा नहीं आवे। तो मैंने कहा एक ऐसा मंत्र तो हमारे पास है कि तुमको गुस्सा ना आवे, तुम जब करो तो तुमको नहीं आवेगा, लेकिन उनका गुस्सा रोकने का मंत्र तो मैं सब बताऊंगा जब वो आके पूछेंगे।